जो दो वीडियो क्लिप्स है मेरे को भेजे किसी बड़े जिम्मेवार व्यक्ति ने एक मिनिस्टर के मुतलक उन्होंने पहला बहुत अच्छी तरह डूंघाई सोचा तो बेस्ट पॉसिबल वे मैं समझा कि सोशल मीडिया के उत्ते ना पाई जाए क्योंकि ये बड़ा नैगेटिव इंपैक्ट जोड़ा है वो जा सकता वा। दोनों वीडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव पा के नाल एक कंप्लेट दे के उन्होंने यह बेनती की कि तुम पहला इन्हों अच्छी तरह तस्दीक कराओ कि ये जो वीडियो क्लिप्स ये मुफ्त तो नहीं है इन्हों की कोई एडिटिंग तो नहीं की हुई इन्हों वीडियो क्लिप्स में कोई कई बार इदा होंगे कि जिसम किसी होर का चेहरा किसी होर का वो तो नहीं है किसी तरीके हालांकि मैं अपना जो अच्छे तरीके वॉच किया सारा तो वॉच करने योग है नहीं सी पर चलो अच्छे तरीके ध्यान किया मैं वह वीडियो जड़िया बड़िया जेन्युइन तो करेक्ट लगी। दोस्तों मैं सोचा अज तुहाडे नाल एक बार फिर जो पंजाब दे विच इस वक्त राजनीतिक बवाल उठा होया खास तौर पर एक मिनिस्टर की अश्लील वीडियो नूं लैके मैं तुहाडे नाल उहदे च थोड़े जिहे विचार सांझे करने कि असलियत की है और सरकार का रवैया की है तो लोगों की परसैप्शन की है। तुहानूं सब नूं याद है कि मैं पहली मई नूं पहली तारीख नूं सोचण विचारण उपरंत कि जड़ा इस तरह के जो दो वीडियो क्लिप्स है मेरे को भेजे किसी बड़े जिम्मेवार व्यक्ति ने एक मिनिस्टर के मुतलक उन्होंने पहला बहुत अच्छी तरह डूंघाई सोचा तो बेस्ट पॉसिबल वे मैं समझा कि सोशल मीडिया के उत्ते ना पाई जाए क्योंकि ये बड़ा नैगेटिव इंपैक्ट जोड़ा है वो जा सकता वा। मैं पहला भी कहा कि सोशल मीडिया से हर वर्ग के लोग होंगे ने औरतों ने बच्चे ने लड़किया ने बजुर्ग ने घर लोग बैठ के देखते हैं इस करके उसनों किया अवॉयड और असी गवर्नर पंजाब नूं मिले पहली तारीख नूं मैं और उन्होंने मिलकर दोनों वीडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव च पा के नाल एक कंप्लेंट दे के उन्होंने यह बेनती की कि तुम पहला इन्हों अच्छी तरह तस्दीक कराओ कि ये जो वीडियो क्लिप्स ये मुफ्त तो नहीं है इन्हों की कोई एडिटिंग तो नहीं की हुई इन्हों वीडियो क्लिप्स में कोई कई बार इदा होंगे कि जिसम किसी होर का चेहरा किसी होर का वो तो नहीं है किसी तरीके हालांकि मैं अपना जो अच्छे तरीके वॉच किया सारा तो वॉच करने योग है नहीं सी पर चलो अच्छे तरीके ध्यान किया मैं वह वीडियोज जड़िया बड़िया जेन्युइन तो करेक्ट लगिया। और ये जड़ा मसला है किसी मिनिस्टर के खिलाफ जड़ा है जड़ी जड़िया ऑब्सीन वीडियो क्लिप्स ने यह कोई मेरा पर्सनल मसला नहीं गा ये मेरी कोई कल्ले दी लड़ाई नहीं गी ये तो एक सिर्फ कि पब्लिक लाइफ में जिहड़े लोग उच्च अहुदियां ते विराजमान ने कि उन्हां दा कंडक्ट इस तरह का होना चाहिए वा जिदा कि आम वर्ग के उत्ते भैड़ा प्रभाव पवे क्योंकि जो कोई मिनिस्टर बनता या चीफ मिनिस्टर बनता या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से बैठता आम जनता आम नौजवान तबका उन्हें एम्यूलेट करते हैं मतलब उन्हें देखते हैं उन्हें फॉलो करते हैं कि असी भी इस तरह का रुतबे तक पहुँचने की गल करिए तो यह मसला एक पब्लिक लाइफ के क्लिनजिंग लिए साफ सुथरे होने के सिलसिले दे करके इसनों मैं पब्लिक डोमेन में लैके आया तो गवर्नर साहब ने सानू भरोसा दवाया कि मैं इसनों चंडीगढ़ पुलिस तो असी यदि फोरेंसिक जांच करावांगे यदि जिहड़ी क्रेडिबिलिटी है वह चेक करवावांगे। और उन्होंने मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी उस दिन गवर्नर साहब के घरों बाहर निकल के उन्होंने कहा कि तुसीं पंजाब पुलिस नूं क्यों नहीं दित्ती मैं कहा जी पंजाब पुलिस की प्रॉब्लम यह है कि वह इस वक्त बदलाखोरी तो उतरे हुए हैं भगवंत सिंह मान वो एक नफरत की भावना नाल काम कर रहे हैं उन्होंने मैं दस के आया कि विधानसभा दे विच उन्हां दा साडे प्रति सारे विरोधियों प्रति अते खास तौर पर सुखपाल सिंह खहरा नूं टारगेट करके उन्हां दा मजाक उड़ाउणा उहदी तुहीन करनी इस तरह का जिहड़ा रवैया सीगा उन्हां दे इस तरह के रवैये चलदिआं हुंदिआं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गैट जस्टिस फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट तां करके असीं तुहाडे कोल आए उन्होंने इस ते भी सहमति प्रगटाई कि हाँ ठीक है। और फिर मैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि अगर तुम ये वीडियो क्लिप्स एक बार तस्दीक करा लेना अगर तुम्हें ठीक लगते हैं तो फिर तुम बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट तुम एक बार सरकार को लिखो कि आ मसला मेरे को आया वा तो ये अप्रोप्रिएट बनता एक्शन कार्रवाई की जाए। हुण असूलन तो अरविंद केजरीवाल तो भगवंत मान इन्हां दी पार्टी ये अंदोलन चो निकल के पार्टी आई सी जिहड़ी
इन्होंने यही लोगों का वायदा किया कि असी जिहड़ा देश की सियासत है ये म्यार नूं असी उच्चा लेके जावांगे, क्योंकि म्यार विच बड़ी गिरावट आई हुई सी, बहुत कुछ होर हो रहा देश दे विच, भ्रिष्टाचार, बदलाखोरी और पैसे का लैण देन, कई तरह की कंप्लेंट्स आप सारे इंडियन पोलीटिकल कल्चर दे विच देख रहे हैं। तो लोगों ने इन्हों पर भरोसा किया कि हाँ भी शायद ये बंदे अच्छे ने, ये कुछ चेंज लिया की गल करें, इन्हों का नारा भी बदलाव का सीगा। तो मैं जो गवर्नर साहब नूं दित्ती कंप्लेंट, ये पहली तरीक की गल सी, शायद दो तरीक नूं भगवंत सिंह मान ने सवेरे 7:30 बजे जो ऑफिस के टाइमिंग चेंज किए तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो पत्रकार ने पूछा कि जी थोड़े एक मिनिस्टर की वीडियो आई है, तो पहला उन्होंने रिएक्शन सीगा कि मेरे को वीडियो है नहीं गी, असी कोई वीडियो देखी नहीं गी। तो नाल ही उन्होंने कहता कि यह एवं निजी इल्जामबाजी ला रहे ने, किसी का अक्स खराब कर रहे हैं, क्योंकि ओपोजिशन को खास तौर पर साढ़े दो तीन बंद नाम लिया खहरा वगैरह दूजे ने, ये फ्रस्ट्रेट हुए ने, ये शायद बुखलाए हुए ने, क्योंकि जलंधर की इलेक्शन हार रहे ने, इस करके जड़ा है इन्होंने बुखलाहट में आ के निजी इल्जामों से उतरे हुए ने। तो मतलब एक पास चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं वीडियो देखी नहीं, मेरे को वीडियो आई नहीं गी, तो नाल ही उन्होंने क्लीन चिट दे रहे हैं। और अंदरली गल हुई कि उस तो बाद भगवंत मान ने अपने 4-5 मिनिस्टर्स की ड्यूटी लाई कि तुम अच्छी तरह के नाल इस मैटर के उत्ते डिस्कशन करो। फिर एक बंद कमरा मीटिंग हुई है शायद 2 तारीख में ही, उहदे फिर 4 मिनिस्टर्स ने एक IAS ऑफिसर की ड्यूटी लाई, वो एक उस कथित दोषी मिनिस्टर नूं अपने उहदे घरों जाके लेके आया, उहदी चीफ मिनिस्टर नाल मीटिंग कराई है। भगवंत सिंह मान उस मंत्री नूं मिल चुके ने, वो अज दी अजीत अखबार चक लो, वो फ्रंट पेज की न्यूज़ लगी हुई है, तो उस मिनिस्टर ने आ के भगवंत मान नूं कहा जी वीडियो मेरी है लेकिन पुरानी है। तो दोस्तों मैं पूछना चाहुंदा कि फर्ज करो एक चोर ने अज तो लैट्स प्रज्यूम 2-3 साल पहला चोरी की, उहदी चोरी जिहड़ी सी बेनकाब नहीं हुई, वह ढकी रहेगी, तो कि वह निर्दोष हो गया वा, या किसी कातल ने एक आदमी का कतल कर दिता, वह पब्लिक डोमेन च गल आई नहीं, पुलिस उहदे तक पहुँच नहीं सकी, तो कि वह आप उसके कतल नूं माफ कर देंगे। एन उस तरह नाल वह मिनिस्टर आप एडमिट करके आया भगवंत मान के कोल कि यह वीडियो मेरी है, पर है थोड़ा समा पुरानी है। तो मैं इस गल ते हैरान हाँ कि भगवंत मान ने फिर उहदे तो बाद उन्हूं कहा कि तू अपना काम कर, और शायद वह अपनी माड़ा मोटा ड्यूटीज डिस्चार्ज करन लग गया वा। और मैं एक बार कहना चाहुंदा कि यह मसला जलंधर लोग सभा की इलेक्शन नहीं हैगा, लेके बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमी है कि इहदा लाहा जिहड़ा जी पार्टियां या साडी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस नूं पब्लिक डोमेन च लिया के जलंधर लोग सभा नूं प्रभावित करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये उदों कितने वड्डा मसला वा। जलंधर लोग सभा का 8 तरीक नूं प्रचार बंद हो जाना, 10 तरीक नूं वोटां पै जाणियां, वो तो सारे इलैक्टोरेट की मर्जी आ, पार्टियां ने प्रचार करना वा, तो वोटर ने अपनी मर्जी के हिसाब के नाल जिहड़ा है अपनी वोट पाउणी है। लेकिन ये मसला जिहड़ा वा ये एक जिदा मैं पहला कहा कि उच्च अहुदियां ते बैठे जिहड़े लोग ने उहनां दे किरदार बारे आ कि इस तरह के किरदार वालों नूं इन्हां अहुदियां ते विराजमान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और मैनूं भगवंत मान, और मैं महसूस कर रहा कि भगवंत मान उन्हां नूं ऐ लग रहा वा कि क्योंकि ये मसला खहरा लेके आया वा, शायद कोई होर मसला लै किसी ने उठाया हुंदा, किसी टैलीविजन ने गल चलाई हुंदी, या किसी होर ओपोजिशन ने, या किसी होर संस्था ने, तो शायद भगवंत मान होना इन्ना की कहिंदे हुंदे वकार का सवाल नहीं सी बना, ये वकार का सवाल बना के बह गए ने, मैनूं तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ये जिन्नी देर उस इस तरह के मंत्री नूं अपनी कैबिनेट में रखणगे उन्ना लंबा समा यह की कहिंदे आ कि यह विवाद जिहड़ा वह चलता रहेगा, और ये गल हुंदी रहेगी, अखबारां च खबरां छपदियां रहणगियां। फर्ज करो जिद्दन इस वीडियो के बारे पता लग्या सीगा 1 तारीख नूं, जो उस दिन आम आदमी पार्टी की लीडरशिप उस मिनिस्टर नूं बुला के कहिंदी कि तेरा इस अहुदे ते रहना तेरा हुण मुनासिब नहीं गा, तू अपना इस्तीफा दे दे, उदन एक कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जानी सीगी। लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी नूं अगर कोई अलाइव रख रहा वा तो सीधा सीधा अज साडे सूबे का चीफ मिनिस्टर। और मैनूं एक गल दा हैरानगी हो रही कि ये इन्ना उस मिनिस्टर नूं क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितने इन्हों का कोई परसनल इंट्रस्ट तो नहीं है नाल, कि उहदे नाल कोई विशेष लैण देण तो नहीं है, कोई उहदे नाल विशेष तलुकात तो नहीं हैं, ये सारे सवाल जिहड़े ने
ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਹਿਰਾ ਕਾਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਰੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਪੂਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ 12 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋੜਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 4-5 'ਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ FIR ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਭੁਲਾ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਛ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ SDM ਭੁਲਾ ਆਪ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨਰ ਬਣਾਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ SDM ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ SDM ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ SDM ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ FIR, ਬਿਕੋਜ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਰੁੱਥ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਿਵੇਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਰੀਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੁੱਥ ਵਿਲ ਪ੍ਰਵੇਲ, ਔਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
हो सकता तुसी बचा लोगे एडवोकेट जनरल नूं, हो सकता तुसी इस मिनिस्टर नूं भी बचा लोगे, पर किन्नी क अच्छी पिरत पा रहे हो तुसी, किन्नियां क चंगियां लीहां छड़ के जा रहे हो पंजाब दे विच। तुसी उही हो ना जिहड़े दूसरियां ते इल्जाम लाउंदे सीगे, बादलां ते कैप्टनां नूं कोसदे सीगे, उन्हां दी छोटी छोटी गल दे उत्ते नुक्ताचीनी करदे सीगे। अज तुहानूं इह मसला ही नहीं लग रहा, मतलब भगवंत मान वास्ते अगर कोई मिनिस्टर मिसकंडक्ट करता, कोई अश्लील गल करता, किसी का शोषण करता या अपना शोषण करवाता किसी तो, यह तुहाडे वास्ते कोई मसला नहीं है। इस गल की मैं कि कहना, मतलब हर अच्छे बंदे नूं सोचण तों बाद उहदा सिर नीवा हुंदा, मेरा भी सिर नीवा हुंदा कि किदां दी सरकार पर बिठाती, किदां दे बंदे नाल ले आउंदे, किदां दे मिनिस्टर्स बना के बैठ गए हैं। और मैं इत्थे भी कहना चाहुंदा कि मेरे को होर भी मसला हैगा वा, देर आर कपल ऑफ स्मॉल क्लिप्स ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, मतलब को दो इस तरह के होर क्लिप्स पे ने, पर मैं कोई किसी की बदनामी, किसी का जान बुझ के किरदार खुशी करने वाले विचों नहीं गा, देखूंगा, एनालाइज करूंगा और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नू बन दी शिकायत करूंगा। फिर अच्छी तरह याद रहे, मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं गी, मैनू जलंधर लोग सभा का कोई चा नहीं गा कि होना, वो परमात्मा की कृपा के नाल डेफिनेटली साड़ी पार्टी जितेगी, लेकिन इस तरह का सहारा लेके, एक वीडियो क्लिप का सहारा लेके, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले दिस लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। मैं अपने सूबे दे नाल, अपने पंजाब दे नाल खड़ा वा, वड्डियां गल्लां आपां आने वाले समय च देखनियां करनियां ने। तो उम्मीद है कि तुसी मेरी गल नाल सहमति जताओगे, जिहड़े अच्छे सुलझे हुए लोग ने, जिहड़े तो चलो एवें खिलारा पाउंदे ने, गंद मंद बोलते हैं सोशल मीडिया ते, मेरा उन्हां नाल कोई सरोकार नहीं गा, पर मैं एक बार फिर उम्मीद करदा वा कि भगवंत सिंह मान अपने फैसले नूं रिव्यू करेगा, गवर्नमेंट अच्छी तरह नाल झात मारेगी, क्योंकि इन्हां दे मिनिस्टर्स कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दे रहे हैं। Somebody told me, I'm not sure, कि हरपाल चीमे ने भी बयान दिता कि मैं वीडियो देखी है, उहदे च कोई खास गल नहीं। जे तुहानूं इह भी खास गल नहीं लगदी तो फिर खास होर की चाहिए तुहानूं, what do you want? तुहानूं खास चाहिए कि नंगा नाच होवे सड़कां दे उत्ते इस तरह का। सो मैं उम्मीद करदा कि भगवंत मान अपने फैसले नूं रिव्यू करेगा और पब्लिक इंट्रस्ट दे विच, पब्लिक लाइफ दे इंट्रस्ट विच, इहनूं साफ सुथरा रखण दे विच, म्यारां नूं अपहोल्ड करन विच, इह जिहड़ा अपना रोल जो सरकार दी जिम्मेवारी दित्ती, इह कोई भगवंत सिंह मान नूं मैं कहना चाहुंदा कि तुसीं हर एक बंदे नूं जवाब दिओ। खैरा तां चलो छड्ड दिओ, तुसीं जवाब नहीं देना चाहुंदे, तुसीं होर भी दो बंदियां दे नाम लिओ, उहनां नूं जवाब ना दिओ, पर जिहड़े तुहाडे कोल लोक चिट्ठियां पाउंदे ने, सवाल पुछदे ने, रिप्रजेंटेशन दिंदे ने मीडिया वाले, तुसीं सब नूं जवाब दिओ, छोटे तों छोटे बंदे नूं जवाब दिओ। उम्मीद करूंगा कि तुसीं अपने फैसले नूं ठीक करूंगा, एंड आई विल अगेन, आई वॉन्ट टू टैल यू, आई विल वेट patiently and not fall in your trap. If you think I'm going to fall in your trap, no way. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।